नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना के बचपन के दिनों की। बात उस दौर की होगी जब राजेश खन्ना नहीं थे बल्कि राजेश खन्ना सिर्फ और सिर्फ जतिन थे, जतिन खन्ना। सात्र ने एक बार कहा था कि अगर किसी आम घटना को भी अनोखे अनुभव का रूप देना हो तो सिर्फ उसके बारे में चर्चा शुरू कर देने की जरूरत है। इंसान को जितनी कामयाबी मिलती है उतनी ही उसकी बीती हुई घटनाओं को याद करने और उसके बारे में बात करने की आदत भी बढ़ जाती है। बीते कल के सितारों के लिए तो ये पसंदीदा मन बहलाव है क्योंकि ये उन्हें अतीत की कल्पना उस तरह करने का मौका देता है जैसा वो चाहते की हो रहा हो। हिंदी सिनेमा के आज तक के सबसे बड़े सितारे राजेश खन्ना के लिए बचपन और उनके इतना बड़ा फिनोमिन बन जाने से पहले के जीवन की यादें एक तरह से बातों को बार बार दोहरा कर रस लेना ही था, जिसमें सच का अंश कम ही होता है। राजेश खन्ना का बचपन जितना वो बताते थे उसमें सत्य बहुत कम था, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हमारी कोशिश होगी कि हम उस रहस्य से पर्दा उठाएं जिस पर अब तक पर्दादारी है। जतिन खन्ना का जन्म साल 1942 में रेलवे ठेकेदार के एक परिवार में हुआ। वो उसके जन्म से कुछ वर्ष पहले ही लाहौर से बंबई आ गए थे, 1935 में शायद, और कुछ समय के लिए अमृतसर में ठहरने के बाद जहां जतिन का जन्म हुआ, खन्ना परिवार आज के सेंट्रल मुंबई आ गया और गिरगांव में ठाकुर द्वार में सरस्वती भवन में घर बसा लिया। खन्ना परिवार एक घनिष्ठ इकाई था और परिवार के मुखिया अक्रुमल खन्ना के लिए एक और पोते का जन्म ही खानदानी कारोबार में मिल रही अपार सफलता से भी बड़ी खुशी ला सकता था। अक्रुमल के तीन बेटे मुन्नीलाल, चुन्नीलाल और नंदलाल परिवार के कारोबार को संभालते थे और नौ नातियों पोतों के साथ सरस्वती निवास में एक लम्हा भी नीरस नहीं गुजरता था। बच्चों से चहल पहल था, गुलजार था। जहां मुन्नीलाल की तीन बेटियां थीं वहीं नंदलाल की चार बेटियां थीं, चंचल, विजय, कमलेश और मंजू, दो बेटों के अतिरिक्त जतिन और नरेंद्र। जतिन नंदलाल का दूसरा बेटा था और कहा जाता है कि जहां तक अच्छी सूरत का संबंध था उसने अपनी मां चंद्राणी के जीन्स पाए थे और जब वो बच्चा था तब भी वो सबका दुलारा था। और इसमें हैरानी की बात नहीं, जो भी उसे देखता उसे उसके दुलार के नाम यानी काका से ही पुकारता, और सबसे छोटा होने के नाते काका को इस संयुक्त परिवार में बेहद लाड़ प्यार भी किया जाता। वो अपनी चाची लीलावती और चाचा चुन्नीलाल की आंखों का तारा था, जिन्होंने बेऔलाद होने की वजह से उसे बहुत छोटी उम्र में गोद ले लिया, जो उस वक्त उत्तर भारत में आम चलन था। और कहा जाता है कि काका की असली मां ने काका के जन्म से पहले ही उसे अपनी देवरानी को देने का वचन दे दिया था। अन्य परिवारों के विपरीत जहां ऐसी स्थिति में शारीरिक दूरी एक हद तक तय कर देती, खन्ना परिवार एक साथ ही रहता रहा। काका माताओं, पिताओं और अपने ही भाई बहनों जो कि कजिन्स भी थे उन्हीं के बीच बड़ा हुआ। जो भी था उसने विरले ही कभी उनमें से किसी के साथ अपने रिश्तों की बात की। वो ज़्यादातर अपनी ही दुनिया में रहता था और उसके आसपास रहने वाले एक सीमा से आगे उसके साथ हो पाना मुश्किल पाते। काका को अपने साथ रहना ज़्यादा भाता था। सालों के बाद, कई साल बीत गए और एक इंटरव्यू में काका ने अपने बचपन के परिवार में गोद लिए जाने वाले पहलू को छिपाते हुए कहा कि उनका जन्म उनके माता पिता की शादी के काफ़ी देर बाद हुआ। राजेश खन्ना हमेशा प्रेस से अपने छुटपन की बातें करते करते अलग अलग बयान दिया करते थे। उनके पिछले बयान उनके अगले बयान से मेल नहीं खाते थे।
पर एक बार ये भी जिक्र किया कि उनका नामकरण कराची के नज़दीक उनके कुल देवता के मंदिर में हुआ था। हालांकि उनका जन्म अमृतसर में हुआ था और परिवार 1935 में ही लाहौर से आया था। अपने दत्तक माता पिता के साथ आयु में बहुत बड़े अंतर ने रिश्तों को जतिन के पक्ष में झुका दिया था। लीलावती और चुन्नीलाल दोनों उसे ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार करते थे। उसकी माँ सुबह किसी को उसके कमरे के आसपास भी नहीं जाने देती थी जब तक कि वो स्वयं उठ न जाए, पर अपने छोटे से राजकुमार के लिए विशेष रूप से सिलवाए कपड़ों पर किए गए गहन और महीन जरदोजी के काम को जांचने में घंटों लगा देती थी कि काका के लिए कपड़ा ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, इसमें ये कमी क्यों है, ये सुंदर क्यों नहीं देखता, तमाम चीज़ें। एक बार काका ने साइकिल की फरमाइश कर दी और तब तक रोना चिल्लाना बंद नहीं किया जब तक कि माता पिता ने अपनी समझ के विपरीत हथियार नहीं डाल दिए। और कुछ महीनों के बाद जब वो अपना वादा तोड़कर साइकिल चलाता हुआ प्रांगण से बाहर चला गया तो लीलावती किसी अनर्थ के डर से बहुत रोई, लेकिन जब वो लौटा और चुन्नीलाल ने बेटे को डांटा तो उसके बचाव में भी उतर आई। माँ आखिर माँ होती है। उसके माता पिता के लाड प्यार से कोई भी बच्चा बिगड़ जाता और काका कोई अपवाद नहीं थे। बहुत कम उम्र में ही काका मानने लगे कि वो शेष लोगों से बेहतर हैं। आने वाले सालों में राजेश खन्ना हमेशा अपनी बिगाड़ने वाली परवरिश के बारे में ये कहकर मजाक करते कि मेरी परवरिश ही गलत हुई है। वो अपने दोस्तों को बताया करते कि अगर वो 5 रुपये मांगते तो उन्हें 10 रुपये मिलते। और जहाँ तक स्कूल जाने का सवाल है तो किसी और से ज़्यादा वो खुद तय करते थे कि उन्हें क्लास में जाना है या नहीं। समय या पैसे का मूल्य कभी भी समझ ना पाने के लिए वो अपनी आरामदेह परवरिश को जिम्मेदार ठहराते रहे। ज़्यादातर बच्चों की तरह कुछ समय के लिए काका ने भी पायलट बनने के सपने देखे और हालांकि ये तकरीबन तय ही था कि अंततः काका अपने पिता के कारोबार को ही अपनाएंगे। रंगमंच के आकर्षण ने उसका ध्यान खींचा। आस पड़ोस के बच्चे मंच तैयार करके नाटक खेलते और जब वो दर्शक नहीं होता तो मौका मिलने पर काका विशेष पोशाक पहनकर रंगीन किरदार निभाना बहुत पसंद करता, जैसे एक खानाबदोश राजकुमार का। अगर नाटकों ने पहली बार उसे अभिनेता बनने का ख्याल दिया तो स्कूल और बाद में कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लेने के उसके इरादे को पक्का भी कर दिया। रंगमंच की दुनिया से एक ही नाता था, एक दूर का भाई जो एक नाटक मंडली का सदस्य था और जिसने उसे एक छोटी मोटी भूमिका पाने में सहायता भी की थी। और जतिन ने अपने पहले ही नाटक में डायलॉग की एक लाइन को शान से बिगाड़ दिया और सालों बाद उन पलों को फिर से जिया जब एक बार मंच से उतरने के बाद तब तक भागता रहा जब तक कि वो घर नहीं पहुंच गया। हालांकि वो हर अर्थ में बंबई का लड़का था। बंबई के केसी कॉलेज में आने से पहले जतिन बीए की डिग्री पाने के लिए 2 वर्ष के लिए पुणे के वाडिया कॉलेज भी चला गया। उसके पुणे जाने की एक वजह थी बॉम्बे में मराठी भाषा का अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना, जिससे पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती। बचपन और स्कूल के दिनों की तरह जतिन अपने कॉलेज के दिनों में भी दूसरों के साथ मिलने जुलने में नकचढ़ा रहा। उसके अधिकतर जो प्रोफेसर थे, टीचर्स थे, उसे एक चुपचाप रहने वाले युवक के रूप में ही याद करते हैं जो केवल मंच पर जी उठता था। स्कूल के पुराने साथी रवि कपूर के साथ, जो काका के साथ ही किसी कॉलेज में भी था, दोनों गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में भी एक साथ थे। वो बॉम्बे वापस आकर भी अपने शौक को निभाता रहा। जतिन की तरह रवि भी अभिनेता बनने के ख्वाब पालता था और कई बार दोनों में एक ही भूमिका पाने की होड़ भी होती और अक्सर एक दूसरे को ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट के लिए सिखाते सिखाते दोनों एक दूसरे के करियर में बहुत रुचि लेने लगे और उन्हें विश्वास था कि दोनों को सही मौका मिलना सिर्फ वक्त की बात थी। जिस दौर में जतिन ने हिंदी फिल्मों में अभिनेता बनने के लिए जद्दोजहद शुरू की वो बहुत अलग था, आज से विपरीत
अभिनेताओं को कम ही मुख्य भूमिका में इतनी धूमधाम से पेश किया जाता था जो आज पहली फिल्म से जुड़ गई है। उनमें से अधिकतर को छोटे मोटे किरदार निभाकर समय काटना पड़ता और कई बार सालों लग जाते बीच बीच में कई असफल फिल्मों के साथ, कुछ भी अहम सामने आने से पहले। लेकिन तब दर्शक बहुत क्षमाशील होते थे, निर्माता सहनशील होते थे और दोबारा मौका देना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस अंतहीन इंतजार के अलावा उस समय के बड़े कलाकारों मसलन देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर की छाया भी मंडराती रहती थी। इतनी बड़ी होकर कि प्रत्येक नए को अपनी छवि का कोई ना कोई पहलू उनमें से किसी एक तरह की ढाल लेता और फिर पूरी कोशिश करता कि उनकी नकल ना लगे। ये बहुत मुश्किल था उस दौर में। जतिन को जो भी मिलता रहा वो कहता रहा, परंतु जिस दिन उसे पहचान नहीं मिल पा रही थी, रंगमंच ने उसे उसके जीवन की पहली चाहत से मिलने में सहायता की। फिल्मों को करियर के रूप में चुनने के विषय में सोचने का अवसर दिया और उसे एक एक्टर के रूप में पहले असली प्रतिद्वंदी से आमना सामना कराया। एक नाटक में काम करते करते जतिन अंजू महेंद्रू से मिला और प्रेम भी करने लगा और शीघ्र ही वो युवा प्रेमी बॉम्बे की चर्चित जोड़ियों में से एक बन गए। 20वीं सदी के छठे दशक में जब अभिनेता डेटिंग की बात करते हुए सहज महसूस नहीं करते थे, जतिन और अंजू ने कभी भी अपने संबंध को छिपाने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। उस दौर में अंजू या निकी, जैसे जतिन उसे बुलाता था, स्वयं भी उभरती हुई एक्ट्रेस थी जिसे अपने प्रेमी से कुछ पहले पहचान मिल गई। ज्वेल थीफ साल 1967 जैसी फिल्मों में भूमिकाओं की वजह से, लेकिन वो अपने बाकी जीवन में अधिकतर राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड के रूप में ही जानी पहचानी गई। उनके करीबियों के मुताबिक दोनों प्रेम में पागल थे, लेकिन यदि जतिन ये नहीं समझ पाया कि अंजू उसके अस्थिर रवैये से ठीक उल्टी थी, तो समय समय पर अंजू भी जतिन को उसकी बर्दाश्त की हद से ज़्यादा आजमाती थी। दोनों में बहुत तेजी से मूड बदलने की प्रवृत्ति थी और वो कई युवा प्रेमियों की तरह लगातार अलग होते रहते और फिर मिल जाते। इसमें बीच बीच में पलटवार करने के लिए दीवानों वाली हरकतें भी शामिल थीं, जैसे अंजू का वेस्टइंडीज से आने वाले क्रिकेटर गॉरफील्ड सोबर्स से सगाई कर लेना। जतिन को फिल्मों में विशेष रुचि नहीं थी, जब तक गीता बाली से संयोगवश हुई एक भेंट ने करियर के प्रति उसके नजरिए को नहीं बदला। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने याद किया कि कैसे वो अचानक गीता बाली से मिले, जिनका फिल्म निर्माण कार्यालय उसी इमारत में था जहां राजेश खन्ना एक नाटक के रिहर्सल किया करते थे। राजेश खन्ना को अत्यंत जल्दी में सीढ़ियों के पार से जाते हुए देखकर गीता ने कहा कि उनका निर्माण कार्यालय अगली फिल्म एक चादर मैली सी के लिए उनके जैसे चेहरे की तलाश में था। हालांकि जतिन को भूमिका नहीं मिली और गीता बाली की बेवक्त मौत की वजह से फिल्म भी स्थगित कर दी गई। उन शब्दों ने जतिन के भीतर फिल्म एक्टर बनने का ख्याल लेकिन ज़रूर पैदा कर दिया। ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जो ऑडिशन के लिए नए से नए फैशन की स्पोर्ट्स कार में जाता था, जबकि ज़्यादातर संघर्ष करने वाले पैदल जाते थे और जिसे हर महीने 1000 की रकम मिलती थी, जबकि दूसरे अभिलाषी कई दिन तक बिना पैसों के बिना खाने के भी रहते थे। जतिन के संघर्ष के दौरान भी उसके अपने हिस्से की परेशानियां थीं। एक तो ये कि वो हरी जरीवाला जैसे प्रतिद्वंदियों को अपने से बाजी मारते हुए देखता, जिसने बाद में पर्दे पर संजीव कुमार नाम अपनाया और आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सबसे बढ़िया अभिनेताओं में से एक हुए। एक अधिक महत्वपूर्ण दल इप्टा यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के साथ जुड़े होने की वजह से। सहपाठी रवि कपूर ने भी वी शांताराम की गीत गाया पत्थरों ने में मुख्य भूमिका पाकर और पर्दे पर जिस नाम को जतिन पाना चाहता था यानी कि जितेंद्र, वो अपनाकर उसे पछाड़ दिया। और यही नहीं, कई लोग जतिन को उसके मुंह पर ही गुरखा और नेपाली नौकर तक कहकर उसका अपमान भी करते थे। कोशिश करने और वो सब करने के बाद भी जिसकी एक अभिनेता बनने के इच्छुक से आशा की जाती है, जतिन का भविष्य अंधकार में लगता। उसके दिशाहीनता ने
उसके पिता का ध्यान खींचा और चुन्नीलाल ने अंतिम शर्त रख दी। शर्त यह कि 5 साल के अंदर अंदर अपनी छाप छोड़ो या पारिवारिक कारोबार में लग जाओ। फिर भी चुन्नीलाल और लीलावती जतिन को आर्थिक और भावनात्मक सहारा देते रहे, उनकी हर प्रस्तुति पर हाजिर होकर। पारिवारिक कारोबार का सुरक्षा जाल होते हुए भी जतिन का संघर्ष उतना ही कठिन था जितना बॉम्बे में स्टूडियो के चक्कर काटने वाले किसी भी दूसरे संघर्ष करने वाले का। अन्य किसी की अभिलाषी की तरह जतिन ने पर्दे पर सफलता पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और उसे फिल्मफेयर द्वारा आयोजित टैलेंट हंट में भाग लेने में कोई हिचक महसूस नहीं हुई। स्थापना के 2 दशक के बाद फिल्मफेयर अवार्ड्स देश के सर्वाधिक इच्छित पुरस्कार माने जाते हैं। हालांकि इस प्रकाशन समूह ने पहले भी टैलेंट हंट आयोजित किए थे, फिर भी फिल्मफेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइंड टैलेंट हंट से सब कुछ इस हिला देने की उम्मीद थी। इस तरह से ऐसा कि जैसे पहले कभी नहीं हुआ था और जतिन भी उन हजारों में था जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन अपने आसपास वालों की तरह उसने इस बुलावे को कुछ खास नहीं समझा क्योंकि वो उन साधारण ऑडिशंस में से बिल्कुल अलग था जिनके लिए उसे बुलाया जाता था। लेकिन उसे और टैलेंट हंट के आयोजकों को पता नहीं था कि साधारण की परिभाषा हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये जो उनके हाथ लगा है इस टैलेंट हंट में, वो आने वाले दौर का सुपरस्टार है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।